हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आपको बता दें, इस बार का आईपीएल सीजन पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा है। आपको बता दें, कल मैच खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच, और इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद शमी को गाली दे डाली। आखिर क्या वजह रही, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, जब सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग चल रही थी और स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी, वहीं हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे अपना 13वां ओवर। पहले इस ओवर में केन विलियमसन ने पहले ही दो छक्के जड़ दिए थे, जिसके बाद जब 13वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी गई तो राहुल त्रिपाठी ने एक अपर कट शॉट लगाया, और वहीं डीप मिड विकेट में फील्डिंग कर रहे थे मोहम्मद शमी। जब बॉल उनके पास गई तो उस बॉल को मोहम्मद शमी ने कैच न करने की कोशिश की बजाय उस बॉल को रोकने की कोशिश की। इस बात पर हार्दिक पांड्या बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने ऑन कैमरा मोहम्मद शमी को गाली दे डाली, जिसके बाद मोहम्मद शमी के फैंस और खुद हार्दिक पांड्या के फैंस ने इनको बुरी तरीके से लताड़ा है। कहा है कि अपने एंगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, और खासकर तब जब आपके सामने कोई एक सीनियर खिलाड़ी हो, उसको इस तरीके से आपको भद्दे शब्द नहीं बोलना चाहिए। वहीं मोहम्मद शमी ने इस बात को, इस गाली को सुनकर वो बिल्कुल शांत रहे और पलट कर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।